नमस्कार साथियों। साथियों जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज सीटेट जूनियर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसको लेकर एनालिसिस के लिए हम यहाँ सेंटर पर उपस्थित आए और प्रतिदिन जैसे एग्ज़ाम हो रहे हैं सीधे एनालिसिस के माध्यम से आपको बताते हैं कि क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं, क्या जो छात्र हैं उनसे पूछते हैं कि एग्ज़ाम का लेवल क्या रहा, जैसे पिछला एग्ज़ाम हुआ था उसी तरह रहा, कोई अन्य बदलाव हुआ चेंज में पैटर्न में। मैम जैसे आपका एग्ज़ाम था तो एग्ज़ाम का लेवल क्या था आज? एग्ज़ाम का लेवल तो अच्छा था काफ़ी, बस एनवायरमेंट में थोड़ा पड़ा हुआ। अच्छा, थोड़ा पड़ा हुआ नहीं था। जैसे कोई क्वेश्चन वगैरह याद है जो आपको पढ़े हुए नहीं थे? ऐसा नहीं है, जैसे आपने प्रीवियस ईयर का देखा होगा उसके बाद उससे आए थे क्वेश्चन। अच्छा, उससे आए थे क्वेश्चन, संस्कृत तो अच्छे थे क्वेश्चन। जो प्राइमरी का भी आपने एग्जाम दिया होगा तो प्राइमरी के अपेक्षा यह है जो पेपर आपका हुआ थोड़ा हार्ड था या फिर उसी के लेवल का था? नहीं, ठीक था, मिडिल ठीक था, मिडिल था। ठीक है, ओके। आपका शुभ नाम? अर्चना शंकर। कहाँ से? फरीदपुर। ओके ओके, थैंक यू। आपने एग्जाम दिया सीटेट का, तो सीटेट का एग्जाम का लेवल क्या था? बिल्कुल अच्छा कहना चाहिए। अच्छा, तो अच्छा कहाँ से आए आप? मैं बिहार से। अच्छा, बिहार से आए हैं, तो आप इतनी दूर आए एग्ज़ाम के लेकर, तो जैसे सीटेट ने इस बार एक ही सेंटर बनवाया उसके संबंध में आप क्या कहेंगे? जैसे यही होता है, गलतियों से हमेशा सीखा जाता है। बिल्कुल सही बात है। सही है। अच्छा, सही है, बिल्कुल सही। चलिए ओके, थैंक यू। जैसे आपका शुभ नाम? प्रियंका गुप्ता। अच्छा, अरे एग्ज़ाम कैसा हुआ आपका? अच्छा हुआ। तो एग्ज़ाम के लेवल में क्या कोई पैटर्न में चेंज हुआ प्रीवियस ईयर को देखते हुए? नहीं, सेम पैटर्न है, लेकिन बस थोड़ा सा मोटिवेशन कर दिया गया, मतलब उसको बढ़ा दिया गया। बढ़ा दिया। तो एग्ज़ाम जैसे प्राइमरी का जो एग्ज़ाम था और जूनियर का एग्ज़ाम था दोनों में क्या डिफरेंस था? कि सेम पैटर्न था, कोई अलग डिफरेंस था? नहीं, डिफरेंस था पैटर्न। अच्छा, कोई क्वेश्चन वगैरह आपको याद है? क्वेश्चन ये था कि मतलब एक मैथ का मुझे क्वेश्चन याद है, उसमें तो एक क्वेश्चन था कि समांतर चतुर्भुज में कितनी सीमितियाँ होती हैं। अच्छा, कोई जैसे त्रिभुज है, त्रिभुज में बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं, क्या त्रिभुज संबंधी कोई क्वेश्चन बना था? हाँ, बना था। समचतुर्भुज से? हाँ, समचतुर्भुज। ओके ओके, धन्यवाद। आपका शुभ नाम? विनीता कुमार। कहाँ से आए हैं? बरेली। बरेली। तो आपका एग्जाम कैसा हुआ? एग्जाम अच्छा हुआ। एग्जाम अच्छा हुआ, तो एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चंस कुछ याद हैं आपको? हाँ, लैब बायगोस्की से आए थे, प्याजी से आए थे। अच्छा, लेब बायगोस्की में सामाजिक सांस्कृतिक से था कि उनका ZPT था? ZPT। हाँ। कोई जैसे स्कीमा संबंधित क्वेश्चन था? हाँ, स्कीमा से था। अच्छा, कोई और क्वेश्चन, जैसे प्याजे का नाम आपने सुना है उसके साथ एक नाम और जोड़ा जाता है नॉन चोमस्की का, वो नहीं था? अच्छा, नॉन चोमस्की नहीं था। नहीं। तो जैसे अभी कोहल वर्ग के लगातार स्टेज से क्वेश्चन बन रहे थे, क्या इसमें कोई उसकी उप अवस्था से भी क्वेश्चन था? नहीं, इसके हाँ उप चरण से था, चरण से था, दूसरे चरण से। अच्छा, कोई जैसे मैथमेटिक्स था आपके पास, ISST था? मैथ। अच्छा, मैथ में कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं ऐसी? अच्छा, EBS कैसी थी? EBS ठीक ठीक थी। ओके, थैंक यू मैम। मैम एक मिनट का समय मिलेगा। मैम आप कहाँ से आई? हम बीसलपुर। अच्छा, बीसलपुर से आई हैं, तो एग्ज़ाम कैसा हुआ आपका? अच्छा हुआ। अच्छा, कोई क्वेश्चन वगैरह आपको याद है? इतना तो याद नहीं है, बहुभाषकता से आया था वैसे। जी। भाषा से चेन नहीं थे, मातृभाषा से आए थे। मातृभाषा से संबंधित जैसे कि NEP 2020 से आया था, क्या NCF 2022 में अभी FLN का जिक्र किया गया तो उससे नहीं आया? RTE 2009 से संबंधित कोई क्वेश्चन था? इसमें नहीं आया। अच्छा, NCF 2005 से? इसमें नहीं आया, फर्स्ट पेपर में आया। अच्छा, तो इसमें आपके पास मैथ था या सामाजिक? अच्छा, मैथ में क्या बैन हिले का सिद्धांत था? ये सब नहीं आए थे। अच्छा अच्छा, इसमें नहीं आया। तो इसमें जो आपका शिक्षण है और जो विषय है दोनों का रेशियो वैसे 50-50% रहता है, क्या इसमें 50-50 था या फिर कोई? अच्छा, 50 था। ओके, थैंक यू मैम। आपने एग्जाम दिया सीटेट का, तो इसमें लेवल क्या था? कोई एग्जाम मॉडरेट था, ईजी था या हार्ड था? थोड़ा जो मैथ के जो क्वेश्चन थे जी, थोड़े हार्ड थे। अच्छा, मैथ में कैसे हार्ड थे, जैसे कोई क्वेश्चन वगैरह आपको याद है? क्वेश्चन तो वैसे मुझे याद नहीं रहा, लेकिन थोड़े टफ लेवल के थे। अच्छा, कहाँ से आए आप? मैं बहेड़ी क्षेत्र से। अच्छा, बहेड़ी से आए हैं। तो सीटेट की कोई एक ऐसी डिसक्वालिटी आप बताइए जो आपको लगता है इसमें बदलाव होना चाहिए? बदलाव वैसे तो क्वेश्चन हार्ड थे और इतने हार्ड भी नहीं थे। अच्छा, हार्ड नहीं थे, ठीक ही था। अच्छा, लेवल ठीक था, जैसे लगातार जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उन्हीं संबंधित था या कोई अन्य था? EBS कैसी थी? EBS भी ठीक थी। अच्छा, जैसे हिंदी का गद्यांश कैसा था? हिंदी और संस्कृत का गद्यांश कैसा था? गद्यांश भी ठीक ही था। अच्छा, ठीक, ज़्यादा टफ नहीं था। आपका शुभ नाम? जितनेश कुमार। अच्छा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका नाम? सुरभि गुप्ता। कहाँ से आई हैं? हाफिजगंज से। अच्छा, जैसे आपका एग्जाम कैसे हुआ? मेरा एग्जाम बढ़िया हुआ, मैथ में ज्योमेट्री के क्वेश्चन बहुत थे। अच्छा, ज्योमेट्री के ज़्यादा थे, तो ज्योमेट्री के क्वेश्चन लगातार इसमें आपका पूछा ही जाता है, सेकंड पेपर है। हाँ। अच्छा, जैसे फर्स्ट पेपर आपने दिया होगा प्राइमरी का और जूनियर का एग्जाम आपने दिया है, दोनों में क्या डिफरेंस था, कोई मतलब आपको ज़्यादा बदलाव देखने को मिला है? जैसे या फर्स्ट वाला जो पेपर था वह कठिन था या ये वाला? फर्स्ट पेपर में ग्रामर ज़्यादा पूछी गई थी, सेकंड पेपर। अच्छा, आपके पास इंग्लिश थी?
अच्छा संस्कृत है, तो संस्कृत का गद्यांश कैसा था? संस्कृत गद्यांश इसमें बहुत लेंथी आया था, फर्स्ट पेपर में इतना लेंथी नहीं था लेकिन उसमें ग्रामर बहुत थी। अच्छा उसमें ग्रामर ज़्यादा था। तो इसमें हिंदी का गद्यांश कोई किससे संबंधित था? हिंदी का गद्यांश मतलब भारत भारत चीन जापान इनकी जनसंख्या के ऊपर था। अच्छा कोई जैसे दिशा संबंधित क्वेश्चन आया था ईवीएस में? ईवीएस में दिशा संबंधित एक आया था दिल्ली के सापेक्ष खाद्य श्रृंखला से। खाद्य श्रृंखला से आया था। लगातार क्वेश्चन है ऊर्जा से पूछा जा रहा है जो कि ऊर्जा आपके सिलेबस में नहीं है फिर भी ऊर्जा हाँ, से पूछा जा रहा है। अच्छा बन रहे हैं। कोई सिमेट्री संबंधित क्वेश्चन था? सिमेट्री संबंधित तो बहुत क्वेश्चन थे तो ऐसे याद भी नहीं है सिमेट्री के। मातृभाषा संबंधित कितने क्वेश्चन होंगे? मातृभाषा से इस वाले में सेकंड पेपर में तो ज्यादा थे। अच्छा फर्स्ट में तो कोई क्वेश्चन वगैरह आपको याद है? ऐसे क्वेश्चन तो नहीं याद। सीडीपी में लगातार जैसे लेब बाइगोस्की है या फिर प्याजे है? प्याजे प्याजे क्वेश्चन थे। वो जेडपीडी से क्वेश्चन बना था? जेडपीजी के बाइगोस्की से सबसे ज्यादा बन रहे हैं। अच्छा, प्याजे से कम है, बाइगोस्की से सबसे ज्यादा क्वेश्चन है। अच्छा बाइगोस जो आपका जीन प्याजे है और नॉन चमस्की है दोनों में एक बड़ा मतभेद रहता है, एक दूसरे के विचार दोनों में अलग आए, तो क्या नॉन चमस्की संबंधी कोई क्वेश्चन बने थे इसमें? नॉन चमस्की सुबह आया था। अच्छा सुबह आया था। ओके थैंक यू मैम। आपका शुभ नाम? मेरा नाम आदर्श सोलंकी। अच्छा कहाँ से आए? जी सर मैं बदायूं से आया। अच्छा बदायूं। तो आपका एग्जाम कैसा हुआ? अच्छा हुआ। तो आप क्लियर हो जाएगा? बिल्कुल। अच्छा जैसे एनालिसिस जब होता है तो एनालिसिस में कम या ज़्यादा होता है, ठीक है? तो किसी के एक नंबर कम एक का ज़्यादा हो जाता है, कोई क्लियर नहीं है कि यदि उसका 90 नंबर बन रहा है तो वह क्वालिफाई हो जाएगा। जी सर। तो आपको क्या लगता है इसमें यदि 90 नंबर किसी को बन रहा है तो क्या भाई मॉडरेट माना जाएगा या कोई उसमें कम किया जाएगा या ज़्यादा? फर्स्ट पेपर है सेकंड पेपर? सेकंड की बात करें सेकंड पेपर थोड़ा मॉडरेट था लेकिन सुबह वाला पेपर बहुत ज़्यादा इजी था। अच्छा इजी था। इसमें कोई क्वेश्चन वगैरह आपको याद है? ऐसे तो नहीं लेकिन टॉपिक सारे वही नॉर्मली थे, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं था। अच्छा मैथ में जैसे पूछा जाता है 18+3 वो लिख देते हैं, 21 की जगह वो लिख देते हैं 54 लिख देते हैं। तो इसमें पूछते हैं कि बच्चे ने किस प्रकार गलती की, संक्रिया संबंधित है, इस तरह का कोई क्वेश्चन देखने को मिला है? नहीं इस टाइप का नहीं आया। अच्छा त्रुटि विश्लेषण से कुछ? त्रुटि का भी कोई नहीं था। सामाजिक अनुबंधन संबंधित? हाँ शायद एक क्वेश्चन था। अच्छा एक क्वेश्चन था। ओके थैंक यू सर। ओके सर आप कहाँ से हैं? शाहजहाँपुर। अच्छा आपका शुभ नाम? यूसुफ। अच्छा यूसुफ। तो एग्ज़ाम कैसा हुआ आपका? सर एग्ज़ाम फर्स्ट वाला तो ज़्यादा अच्छा हुआ, सेकेंड वाला थोड़ा। तो आप कोई एक डिसक्वालिटी बताइए सीटेट की, क्योंकि गलतियों से हमेशा सीखा जाता है और आपसे गलतियों त्रुटि संबंधित लगातार क्वेश्चन भी इससे बनते हैं, तो ऐसा कौन सा सुधार सीटेट को करना चाहिए? सर सीटेट को सुधार क्या पर्यटन उस पर? अच्छा निष्कर्ष संबंधित क्वेश्चन ज़्यादा थे कम थे? निष्कर्ष संबंधित कथन और निष्कर्ष जी उसमें ज़्यादा थे। जैसे कि काफ़ी लोगों का कहना था कि इस बार जैसे कि जिनको एक क्राइटेरिया दे दिया गया था इतनी सीटें यहाँ पर वितरित कर दी गई हैं, ठीक है, उसके बाद उनको भाई डिस्ट्रिक्ट नहीं मिल सकता है, तो भाई अदर डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम देने जा रहे हैं तो क्या आप इसके लिए कहना चाहेंगे? वो कह रहे थे कम से कम हमसे दो भरवा लेते, तो वह लोग दिल्ली का पढ़ रहा है, किसी का दूसरे स्टेट में पढ़ रहा है, तो ऐसे के लिए क्या कहना है? सर ये व्यवस्था अच्छी नहीं है, इससे बहुत ही दिक्कत होती है। अच्छा दिक्कत होती है। अभी मैंने बात की तो एक लोग बिहार से आए हुए हैं एग्ज़ाम देने, तो जैसे इस संबंध में इनको क्या आपको लगता है कि कैसे सुधार करना चाहिए? सुधार करना चाहिए कि जहाँ तक मतलब हो सके कि अपने डिस्ट्रिक्ट में ही पेपर। अच्छा ऑनलाइन एग्जाम आपको अच्छा लगा या ऑफलाइन? मुझे ऑनलाइन ही अच्छा। अच्छा पहली बार आपने दिया एग्जाम? सेकंड बार। अच्छा ठीक है, तो आपका क्लियर होगा पहले से? फर्स्ट में दो। अच्छा क्लियर नहीं है, सेकंड बार। चलिए हम उम्मीद है आपका इस बार क्लियर होगा, ठीक है। ओके थैंक यू सर। तो साथियों जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर जब एनालिसिस किया तो मॉडरेट एग्जाम का लेवल बताया जा रहा था, बहुत से क्वेश्चन भाषा संबंधित भी बने हैं लेकिन मातृभाषा संबंधित कम बताए जा रहे हैं, कथन और निष्कर्ष से संबंधित क्वेश्चन लगातार बन रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग कथन निष्कर्ष और ईवीएस में थोड़ी सी साइंस जो कि उष्मा का चैप्टर है इस बार थोड़ा ऐड किया गया है, तो वहाँ से क्वेश्चन लगातार बन रहे हैं, तो इसी तरह के क्वेश्चन आगे भी बनेंगे। तो साथ ही एक सूचना है आपको देना चाहते हैं कि यदि आप यूपी टेट है, यूपी पुलिस है, एसएससी है, सीटेट है, यूपीएसआई है, बैंक है, टीजीटी, पीजीटी, सुपर टेट है, एसएससी, जीडी, रेलवे है या कोई भी एयरफोर्स संबंधित कोई भी एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी ईटी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी लोग इससे संबंधित नोट्स के लिए आप सीधे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल आचार्यम केपीएस द एजुकेशन अड्डा पर अवश्य जुड़े। तो साथियों हमें उम्मीद है कि आपका पेपर अच्छा होगा, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।